सर हो गया। हाँ पहले अपन लोग का कर लेते हैं, ठीक है? अपन लोग ना भाई देखो थोड़ा और इस तरफ आ जाओ ताकि देख सको कि पैरिंग कैसे करती है, ठीक है? इस तरफ आगे बैठो। सब लोग को मिल जाएगी, कभी भी कहीं भी जाके पैसे मूव दे सकते हो। पैसे मूव में देखो कोई भी, बहुत सारे लोग अलग अलग अपने तरीके बताएंगे कि यहाँ से ग्रिपिंग करनी है, वहाँ से ग्रिपिंग करनी है। आपको नॉर्मली अपना जो मेन मेन चीजें हैं उसकी ग्रिपिंग सेम होनी चाहिए, बाकी आप फिंगर्स को चाहे ऐसे मूव करिए या चाहे आप सिंगल को सिंगल सिंगल पैसे मूवमेंट दो आप, ठीक है? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसके साथ हमारे एंकल जो है कौन कौन से मूवमेंट है, ये तो फिंगर्स से मूवमेंट है। फिंगर्स के मूवमेंट के साथ हमारा एक आएगा यहाँ पर इन्वर्जन, ठीक है? यानी कि अंदर की तरफ पैर मोड़ना है। फिर उसके बाद आएगा इवर्जन जिसमें हम पंजे को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है? फिर हमारा आएगा प्लांटर फ्लेक्शन जिसमें हम पैर को नीचे की तरफ करेंगे, और फिर हमारा है ना ये प्लांटर फ्लेक्शन और ये आएगा हमारा डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है? डॉर्सिफ्लेक्शन के बाद पैसे मूवमेंट में हम लोग ये जो हमारी काव मसल्स है इसको भी हम लोग एक्शन में कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने हाथ को यहाँ कर लिया और ये जो उसका पंजा है इसको हमारे फोर आर्म्स ने सपोर्ट किया, ठीक है? फिर आपको सिर्फ अपनी बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर आगे की तरफ हल्का सा लीन करना है, तो अपने आप यहाँ पर एंकल टू मूवमेंट होगी और यहाँ पर आपको मसल्स टाइट होती हुई फ्लेक्सिबल होंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपको जब भी मूवमेंट करनी है तो आपने कोशिश करना है कि पेशेंट के फेस को भी आप देखते रहें ताकि आपको पता रहे कि भाई पेशेंट को अनइजी तो नहीं लग रहा है या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? तो ये आपने आगे लीन किया और ये आपने पेशेंट को देखा कि हाँ पेशेंट को कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा, ये एंकल टू मूवमेंट होगी। इसके बाद आ गई हमारी नी जॉइंट की मूवमेंट। तो नी जॉइंट में सिर्फ दो ही मूवमेंट्स हैं, हमारा नी फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। तो आपको एक हाथ रखना है यहाँ और दूसरा हाथ आपको नी के नीचे रखना है, ठीक है? स्टैंडिंग पोजीशन भी खड़े होने हैं स्टैंडिंग स्टैंस में, और फिर आपको ये यहाँ से उठाकर ये ऐसे मूवमेंट देंगे, ठीक है? फिर वापस आप नीचे लेके आओगे तो पैर को सपोर्ट करके लेकर आना है, फिर आप वापस आगे लेके जाएंगे तो आपको ये पैर पूरा सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आपको नी की मूवमेंट करनी है। पोजिशन देख लो हाथों की कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? सेम पोजिशन जब हम लोग एबडक्शन कराएंगे बाहर की तरफ तो आपको ये दोनों तरफ से सपोर्ट करके रखना है और स्टैंडिंग फेज में आपको खड़े हो जाना है। फिर आपको सिर्फ अपने आप को पीछे लेकर आना है और आगे लेके जाना है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको अपनी बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट बना हुआ है। मेरा बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं झुका हुआ नहीं हूँ। मैंने जो पैर मतलब जो पेशेंट है उनका जो लेग है उसका जो वेट है मेरी बॉडी के जितना हो सकता है पास में पकड़ा हुआ है और मैं बिल्कुल ईजिली सिर्फ आगे पीछे का मूवमेंट कराऊँ, ये काम हो जा रहा है, ठीक है? उसके बाद आएगा कि हमको एस एल आर कराना है पैसिव मूवमेंट के लिए। तो पैसिव मूवमेंट के लिए एस एल आर के लिए आप यहाँ से सपोर्ट करके ऐसे भी उठा सकते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें कितना ईजी है, मैं बॉडी के जितना हो सकता है क्लोज रखने कर रहा हूँ, ये मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट कर रहा हूँ, मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं आगे झुका हुआ नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसे झुका हुआ हूँ। तो जितना आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे, अपना पोस्चर सही रखोगे, उतना फिजियोथेरेपिस्ट को कम प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो ये आपने पकड़ना है और ये